दोस्तों हम लैपटॉप खरीदते समय स्पेसिफिकेशन में बैटरी, प्रोसेसर, स्टोरेज काफी कुछ बहुत अच्छे से देखते हैं, पर उनसे हम पूछना भूल जाते हैं और शॉपकीपर भी आपको नहीं बताते किसकी स्पीड नई जैसी बनी रहे, उसके लिए हमें डेली या वीकली इसे कैसे क्लीन करना चाहिए या क्या करना चाहिए जिसके लिए भाई इसकी स्पीड पहले जैसी नई जैसी सुपर फास्ट बनी रहे हमेशा। कहना क्या चाहते हो भाई? आज मैं आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सात ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगा जो सिर्फ 10 सेकंड में आपके लैपटॉप को पहले की तरह नए जैसा बना देंगी। बहुत अच्छा। और एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो विंडोज 7, 8, 10, 11 सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत हेल्पफुल होगी। ये ट्रिक्स आप डेली या वीकली अप्लाई करके अपने लैपटॉप या सिस्टम को काफी सुपर फास्ट, काफी फास्ट कर सकते हो, वो भी बस 10 सेकंड में। वाओ! ये सेटिंग्स इनेबल करने से आपका लैपटॉप और पीसी काफी फास्ट तो होगा ही, साथ ही साथ आपका थोड़ा सरदर्द भी कम कर देगा। अच्छा, तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना, एंड तक देखना। हेलो गाइस, मेरा नाम है राघव शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग PRRB टेक। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब के साइड में ही बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर लेना। तो उससे मेरा क्या फायदा? ताकि आपकी बिना मेहनत किए मेरी और भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। अच्छा, फटाफट से सारी सेटिंग्स करके अपने लैपटॉप या पीसी को पूरी तरह से क्लीन करेंगे। ट्रिक नंबर 1, प्रेस विंडो प्लस आर इन योर लैपटॉप और पीसी एंड देन टाइप रीफेट। जितनी भी फाइल्स हैं सारी डिलीट करेंगे एक सेकंड में, कंट्रोल ए एंड शिफ्ट डिलीट, बिना ज्यादा सोचे सीधा डिलीट कर देना। ट्रिक नंबर 2, अगेन प्रेस विंडोज की प्लस आर एंड देन टाइप योर रीसेंट। सेम यहां भी आपको सारी फाइल्स डिलीट करनी है, कंट्रोल ए एंड देन शिफ्ट डिलीट, ये सारी भी डिलीट हुई। ट्रिक नंबर 3, वापस से विंडो प्रेस आर, इस बार टाइप करना टेम्प, टेम्प विंडो आर एंड देन TEMP एंटर, एंटर प्रेस करके वापस से कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट। ट्रिक नंबर 4, फिर से प्रेस करो दोनों विंडो प्लस आर, समझ रहे हो? अब यहाँ पे टाइप करना टेम्प TEMP, उससे पहले परसेंटेज का ऑप्शन, उसके बाद में भी परसेंटेज विदाउट स्पेस, एंटर कर देना, फिर वही कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट। ओके, तो आपने सारी टेम्परेरी फाइल डिलीट कर लिया है, नहीं डिलीट किए तो कर लो, घबराना मत हो ना। अब इससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट क्लीन अप, एक मिनट, एक ट्रिक रह गई है शायद। हाँ, वो जो नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन है ना, अगर वो आप क्लिक कर दोगे तो बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा मुझे। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। अगर आप विंडो 11 यूज करते हो तो ये करना, विंडो की प्रेस करके सर्च करो स्टोरेज एंड देन क्लिक ऑन टेम्परेरी फाइल। गाइज देख रहे हो 28 GB टेम्परेरी डेटा है, मतलब सारा यूजलेस नहीं है, कुछ काम का भी है। यहाँ डाउनलोड्स वाले ऑप्शन को अनचेक करके बाकी सब डिलीट कर देना, ये थोड़ा टाइम लेगा, बाद में आप इसे रिस्टार्ट कर लेना। अब अगर विंडो 10 यूज करते हो, अपने लैपटॉप या पीसी में क्लिक करो विंडोज ई और माई पीसी, जितनी भी ड्राइव है सब में राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी में जाओगे तो आपको क्लीन अप का ऑप्शन मिलेगा। क्लीन अप यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड्स वाले ऑप्शन को अनचेक कर देना, मतलब इसको छोड़ देना, बाकी सारा डिलीट कर दो और अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लेना। रिस्टार्ट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, आपके लैपटॉप या पीसी में कहीं पे भी आप डेस्कटॉप को जितना खाली रखोगे लाइक उतनी जल्दी आपका लैपटॉप कम टाइम लेगा स्टार्ट होने में। अच्छा, क्योंकि लैपटॉप डेस्कटॉप पे काफी ज्यादा डाटा रखने से वो हर एक चीज को एनालाइज कर रहा होता है एंड देन काफी टाइम लगा लेता है स्टार्ट होने में। डेस्कटॉप को फ्री छोड़ देना तो बहुत अच्छा होता है, मेरे डेस्कटॉप पे बहुत कम फाइल्स पड़ी होती है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लैपटॉप या पीसी को सुपर फास्ट बनाने के लिए, आपकी पूरी जो मेमोरी है वो चेक कर लेना, अगर HDD है तो उसे पूरा चेंज कर देना, SSD में करवा लेना, पूरी की पूरी स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ रैम की बात नहीं कर रहा, टोटल स्टोरेज को आप SSD में कन्वर्ट कर लेना, बदलवा लेना। क्या बात है? और SSD में भी मैं आपको बता दूंगा WD की आती है, ब्लू चिप की, जो बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, लाइक नंबर 1 पे होती है, आप ये यूज कर लेना, आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगी 250 GB की कुछ आती है, ये 1300 या 1400 रुपए की, बहुत ज्यादा स्पीड में फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा। अभी मैंने हाल फिलहाल में अपनी जो इसकी स्टोरेज थी वो निकलवा के अलग कर ली। अच्छा, अब ये 1 TB की स्टोरेज मैं अलग से रखता हूँ और मेरे लैपटॉप में SSD 1 TB अलग से डलवाई है। ये मेरे को 5500 की पड़ी, मैंने ऑफलाइन बाय की थी दिल्ली से, और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, और नई वीडियो बनाऊंगा स्टोरेज से रिलेटेड, ये बहुत जरूरी है और बहुत सस्ता सा एक जुगाड़ है, इसकी वजह से मुझे मोबाइल में एक्स्ट्रा स्टोरेज रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये 1 TB का मेरे पास अलग से हो जाता है और इसको मैं मोबाइल में भी यूज कर लेता हूं, तो ये बहुत अच्छा होता है ना। अभी मैं लैपटॉप को स्पाइडरमैन बनाने की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो SSD जरूर लगवाना, WD की, जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो सारा का सारा डेटा अपने SSD में रख लेना, 125 GB की भी आती है वो आप यूज कर लेना, अगर उससे थोड़ा ज्यादा लगवाना तो 250 यूज कर लेना, और आपका जो बाकी सारा स्टोरेज है उसको एक अलग पार्टीशन बना के लाइक एक वो यूज हो जाएगा आपके लैपटॉप में, है ना। SSD सिर्फ लैपटॉप को सुपर फास्ट नहीं करती, आपके सर का दर्द भी बहुत ज्यादा खत्म कर देती है, जैसे कि मेरा हो गया, पहले मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा हैंग करता था, अब तो मक्खन की तरह चलता है, बहुत तेज हो रहा है। लैपटॉप या पीसी को रीस्टार्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना, डेली अगर आप कर सकते हो तो डेली रीस्टार्ट कर दिया करो, अदरवाइज आप वीक में एक बार रीस्टार्ट जरूर कर दिया करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो अब मार्केट जाइए, SSD लगवाइए, साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर भी कर देना उनके साथ जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मिलते हैं एक और नई हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।